सो हम निकल चुके हैं जी, अब वेट कर रहे हैं यहाँ पे बारापुला पे। हम जा रहे हैं जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट में लेमन ट्री में फर्स्ट डे हमारी बुकिंग है, सेकंड डे का देखेंगे। मैंने लेमन ट्री के काफ़ी व्लॉग्स देखने की कोशिश करी, कहीं पे अच्छा का कोई प्रॉपरली रिव्यू मिले, बट कोई ढंग का मुझे व्लॉग मिला नहीं वहाँ पे। सो मैं ट्राई करूँगा कि कुछ अच्छा बना के आऊँ, वहाँ का रूम का रिव्यूज़ दूँ और लोकेशन दिखाऊँ आपको। और अगर हमें सेकेंड डे मुझे वहाँ रूम ना मिला तो फिर मैं जिस भी सेकेंड होटल में ठहरूंगा उसका भी आपको रिव्यू दूँ। आज मेरी और बब्बे की एक तरह से सोलो राइड है, तो हम जा रहे हैं फ्रेंड्स के साथ। मौसम अच्छा है, काफ़ी बारिश वाला मौसम है, ओवरकास्ट वेदर है, तो हवा भी बड़ी अच्छी चल रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छा वेदर है। वो गई फोर्ड मस्टैंग GT। टाइम हुआ है 7:41 और हम वेट कर रहे हैं अब। तो मैं थोड़ा आपको रास्ते का व्यू दिखाऊंगा, कितना अच्छा मौसम है। तो जी बीकानेर वाला आ गया, अब हमारा फर्स्ट स्टॉप है बीच में गजरौला बीकानेर। मैंने अपना प्राइस इंक्रीज कर दिया, पहले मैं 1 मिनट का 1 लाख रुपए लेता था, अब 1 सेकंड का 1 लाख रुपए लेता हूँ। चलो बिल हो गया आपका, 10 सेकंड तो बोल ही चुके। सो बीकानेर की चॉइसेस हैं यहाँ पे, बीकानेर वाला गजरौला में हम रुके हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए, और टेस्ट का आपको ये बताएंगे। मैं कह रहा हूँ मेरे को भी टॉप ले लो, शायद मैं भी आपके किसी गाने या मूवी में आ जाऊं। आने ही वाला है भाई। हमने गांव वाला सीन लिया है तो वहाँ से निकल रहे हैं। तुषार मेरे साथ बैठा है, सोच रहा होगा ये क्या बोल रहा है बंदा। वैसे व्लॉगर्स का होता है ना, अकेले बैठे कैमरे से बात करते रहो, कुछ भी बोलते रहो, कुछ भी करते रहो, तो बाद में जब एडिटिंग में बैठो तो देखो किसको बता रहे थे ये सब कुछ, है ना, ऐसा ही होता होगा। ये तुषार जॉब है, ये मेरे साथ बैठे हार्ड जॉब है। हाँ, अब हम पीछे हमारे वो भी दिखाओ, बच्चे सो रहे हैं, बिल्कुल ऐसी फील आ रही है जैसे पंजाब के कोई वीर ज़ारा टाइप सीन्स में से निकल रहे हैं। ये तो और हम पहुंच गए हैं अपने रिज़ॉर्ट में जिसका नाम है लेमन ट्री, और ये है जिम कॉर्बेट में। और अभी यहाँ पे सब कुछ ये चल रहा है, चेक इन का प्रोसीजर चल रहा है। और ये तुषार हैं, ये मेरे साथ बैठा था, इतना बोलता है ये बंदा के परेशान कर देता है। बेस्ट ट्रिप एवर। वापसी भी मेरे साथ बैठ रहा है कि नहीं? डन डन, बिल्कुल डन। और बेटा आप? Of course not. चलो जी अब अंदर चलते हैं लेमन ट्री रिजॉर्ट में। ये लेमन ट्री की एंट्रेंस है, मैंने बहुत सारे इसके व्लॉग्स देखे हैं, कोई ऐसा नहीं बना हुआ जिसमें कोई बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुली यू नो डिपिक्टेड जगह हो, लेकिन अब आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी, काफ़ी पीसफुल है और काफ़ी दूर है, मतलब नॉर्मल उससे काफ़ी आगे जाके हमें लग रहा था, हम गूगल गलत बता रहा है, जो दूसरे रिजॉर्ट्स हैं तरंगी वगैरह उनसे बहुत आगे जाके है ये। और आप देख सकते हैं अब हमारा चेक इन टाइम है, अब हम यहाँ पे आके चेक इन करेंगे। लेमन ट्री प्रीमियर नाम है इसका। वी आर एट द रिसेप्शन, चेक इन का प्रोसेस चल रहा है भाई। और ये सारे वो लोग हैं जो थोड़ी देर पहले तक बस यही देख रहे थे, बहुत दूर है यार, हम गलत जा रहे हैं, गूगल गलत ला रहा है, गलत ला रहा है। बट एंड दैट इज़ अ वेलकम ड्रिंक, हमारी वेलकम ड्रिंक है कुछ रेड कलर की। ये लेमन ट्री के रूम्स हैं, ये मैंने पहले भी व्लॉग में देखा था बट मुझे कुछ समझ नहीं आए थे बिकॉज द व्लॉग्स आर वेरी, जिसमें कुछ पता नहीं चल रहा था, बट दिस लुक्स लाइक अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड आई एम जस्ट वेटिंग कि जब मैं वो रिवर साइड पे जाऊँ और देखूँ। और दिस इज़ द रिसेप्शन एरिया यहाँ से, और आप ऊपर छिपकलियाँ देख सकते हैं कितनी सारी। सो अब हम अपने रूम की तरफ जा रहे हैं,
जो हमें रूम्स अलॉट हुए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी आगे चल के। काफ़ी अच्छा सुंदर बना हुआ है और ये मैंने और भी व्यूज़ व्लॉग्स देखे हैं बट मुझे कुछ समझ नहीं आया था। ये आई थिंक रेस्टोरेंट एरिया होगा। पग लाउंज है, सिटिंग एरिया है, प्रॉपर बना हुआ है। दिस इज पग लाउंज। ओह, देयर इज अ मैंगो हियर। मैंगो है ना? ये आम का पेड़ है? यस सर। अच्छा, ओह यहाँ पे मैंगो ट्रीज हैं, हमने नीचे देखा है, आम भी गिरा हुआ। अब मैं रूम का आपको दिखाता हूँ अंदर चल के कैसे हैं। मेरे को रूम्स का व्यू अभी नहीं पता क्योंकि हम यहाँ पे पहली बार आए हैं और मैंने ये भी चेक करना है कि यहाँ पे ड्रोन उड़ा सकते हैं, तो मैं चल के अभी ड्रोन भी उड़ाऊँगा। सो हम अपने रूम में चेक इन कर लिया है हमने, अब हमारा लगेज जा रहा है, मैं आ रहा हूँ। और ये कार्ड है तो अब लगेज अंदर जाएगा, थोड़ा सा मुँह हाथ धो के देन वी गो टू हैव अ लंच। प्रॉपरली दिखा देता हूँ, ये पर्दा मैंने पहले से खोला हुआ है। काफ़ी अच्छा सुंदर रूम बना हुआ है, बहुत बड़ा किंग साइज बेड है और इसके साइड पे ये वॉल है। सिटिंग में सोफ़ा है, ये टेबल है, दो चेयर्स दी हुई हैं, ये ऑफिस डेस्क टाइप है। ये मेरे बहुत काम आने वाला है क्योंकि मुझे काम भी करना है यहाँ पे। टेलीविज़न भी है, बालकनी, ये बालकनी एरिया है हमारे रूम का, और उसमें जिसमें होटल स्टाफ ने बोला है कि इसको आप बंद ही रखें तो बेटर है क्योंकि यहाँ पे बहुत वो आ जाते हैं, तो वो बड़े स्मार्ट हैं बंदर। उन्होंने कहा है कि वो दरवाजे खोल के अंदर आ जाते हैं और अपनी मतलब की चीज़ें ले भी सकते हैं और ले भी जाते हैं। सो आप बेटर है कि इसको बंद ही रखें और हमें खोलने की ज़रूरत भी नहीं है बिकॉज बाहर बहुत ह्यूमिड है। ये बेड है हमारा और बहुत स्पेशियस रूम है, बहुत बड़ा है, शायद आपको वीडियो में पता ना चल रहा हो बट आप देख सकते हैं। मैं आपको बाथरूम दिखाता हूँ। दो मिनरल वाटर की बॉटल्स हैं, केटल हैं। कबर्ड में देखते हैं क्या है यहाँ पे। कबर्ड में लॉकर है, लॉन्ड्री बैग है, या आयरनिंग आयरन टेबल है। अच्छा, प्रेस भी रखी हुई है नीचे। स्लीपर्स हैं जो मैं भूल गया हूँ दिल्ली से लाने, सो दे विल बी हेल्पफुल। बाथरूम दिखाता हूँ यहाँ का। ये बाथरूम है, ऑल्सो वेरी स्पेशियस, काफ़ी बड़ा है। दादा भाई, मुझे किसी ने पूछा था कि एक बार ही मेरे ब्लॉग में कि मैं अपने ब्लॉग्स किस पे शूट करता हूँ। सो मैं ऑजमो पॉकेट 3 पे शूट करता हूँ इसको। सिंस ये कॉर्बेट है तो यहाँ पे जंगल सफारी वगैरह होती है, इसलिए मोस्टली आपको हर जगह टाइगर्स की फ़ोटोज़, लायंस की फ़ोटोज़ ही मिलेंगी, एनिमल्स की। सो हम जा रहे हैं सिट्रस, यहाँ का रेस्टोरेंट है जहाँ पे हमारा बुफे है हमारे पैकेज में, टू हैव द लंच फर्स्ट डे का। देखते हैं खाने में क्या क्या है और कैसा है, मैं आपको दिखाता हूँ चल के। सो यहाँ पे हमारा रेस्टोरेंट है जहाँ पे हमारा लंच है, और ये स्विमिंग की एरिया, स्विमिंग पूल है यहाँ पे। अभी आके बब्बी ने भी स्विमिंग करनी है, बाकी सारे भी स्विमिंग करेंगे, ज़्यादा डीप नहीं है और लिखा भी हुआ है नो डाइविंग। और ये रेस्टोरेंट है, ये देखो वो बैठ के खाना भी खा रहे हैं और हम भी पहुँच गए हैं, अब खाते हैं चलो। सो लंच का अब हो चुका है। एक्चुअली मैं आपको लंच करने के बाद में सारा कुछ दिखा रहा हूँ। हमने लंच पहले किया था क्योंकि जब हम आए हैं यहाँ पे तो बहुत भूख लग रही थी, तो दिस इज़ ऑल द लंच। बहुत वैरायटीज़ थी आप देख सकते हैं, मोस्टली अभी तो खाली है क्योंकि हम खा चुके हैं खाना, एंड सैलड्स भी हैं, एंड ऑल द सैलड्स। मैंने चिकन खाया, वो बहुत अच्छा था। ऑल दिस असॉर्टेड ब्रेड्स। बाकी अब मैं आपको थोड़े ड्रोन शॉट्स दिखाऊंगा। ये चिकन था, मुर्ग लबाबदार, बहुत डिलिशियस था। ये रेस्टोरेंट की जगह है इनका, इसका नाम है सिट्रस, जो मैंने आपको पहले बाहर से दिखाया था। सिंस जिम कॉर्बेट ये ऐसे एरिया में है तो ये वाइल्ड लाइफ का पूरा सेटअप है। तो टेबल्स आपको गंदी इसलिए लग रही हैं क्योंकि हमने यहाँ पर खाना खाया है अभी। ये बैक बेंचेस हैं, इनका एक चैनल हुआ करता था
आजकल ये रिटायर हो गए हैं। ये जीजा जी, इनसे मैं बात नहीं करता क्योंकि ये बहुत महंगे हैं। ये सेकंड आपके लिए 1 सेकंड 1 लाख रुपीज़, अदरवाइज तो 7.5 सेकंड के कितने हो गए? 7.5 लाख रुपए। वैसे कॉर्बेट के एरिया में जहाँ पे भी जितने भी कॉर्बेट में रिजॉर्ट्स हैं उनके पीछे यहाँ पे सब में रिवर व्यू होता है। यहाँ पर भी है, आप ये देख सकते हैं कितनी सुंदर जगह है। वो देखो सारे रिवर के साइड पे बैठे हैं। दैट्स ब्यूटीफुल। और ये यहाँ से जब हम इसको पैन करेंगे तो ये रेस्टोरेंट है और ये सिट्रस है, यहाँ पे सिटिंग एरिया है। ये तो गोल्फ कोर्स लग रहा है। ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पे स्विमिंग पूल है इसी के आगे और ये आप व्यू देख सकते हैं कितना सुंदर है। सो अब लंच करके हम वापस आ रहे हैं, अपने रूम की तरफ जा रहे हैं। ये एग्जीक्यूटिव स्वीट्स होंगे शायद जो बालकनी रूम्स हैं। ह्यूमिड इतना ज़्यादा है कि पसीना इतना आ रहा है। अब रूम की तरफ चलते हैं और देखते हैं बाकी क्या करना है। Oh, shot! Charan, 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 charan! Oh, ek wala! Arre wah! So basically, content chahiye. This is second day ki morning hai. और मौसम बहुत अच्छा है, बहुत बारिश हो रही थी रात को, मेरे को आवाज़ें आ रही थी बाहर ऐसे जैसे पानी यहीं गिर रहा है हमारे दरवाजे के आगे। जिम कॉर्बेट में मोरलेस लोकेशंस जो हैं वो एक जैसी हैं सारों, सारे रिजॉर्ट्स वगैरह आप बीच में से चल रहे हैं, साइड पे रूम्स हैं, इधर रूम्स हैं, बंदर घूम रहे हैं बहुत। रूम सर्विस मुझे कोई खास मज़ा नहीं आया रूम सर्विस। मैंने रात को सिर्फ 4 पानी की बॉटल्स ऑर्डर करी थी अराउंड 8 बजे, तो 8:45 तक तो मैं वेट करता रहा, वो नहीं आए, तो फिर मैं चला गया दूसरे रूम में जहाँ पे सारे थे। हमने इंजॉय किया, फिर हम डिनर करके आए वापस आके 10:30 बजे मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने तो फिर भेजी मुझे पानी की बॉटल्स, पहले नहीं आई थी। फिर अब चलते हैं ब्रेकफास्ट की तरफ, तो फिर आपको दिखाता हूँ ब्रेकफास्ट में क्या क्या है और कैसे हैं यहाँ पे। रास्ता तो बहुत अच्छा है, आपको मैंने कल दिखाया भी था, अभी और दिखाऊंगा कि रूम्स का सेटअप कैसे है, कैसी लोकेशन है। ड्रोन उड़ाने की यहाँ पे शायद परमिशन नहीं है, मैंने ऑनलाइन भी चेक किया तो वो बैन है ड्रोन से यहाँ पे, आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। कुछ हाइट पे जाके ड्रोन अपने आप ही रुक गया था और उसमें मैसेज आ गया था कि मैक्सिमम हाइट एल्टीट्यूड रीच्ड। सो एक लिमिट भी है कि आप कितना ऊंचा उड़ा सकते हैं, लेकिन काफ़ी ऊपर चला गया था, बट आई एम नॉट श्योर कि वो अलाउड है कि नहीं। तो विल प्रॉब्ली गो टू द रिसेप्शन एरिया एंड देन चेक विद देम कि वो अलाउ करते हैं कि नहीं, कि मैं अगर ऊपर से रिजॉर्ट का कुछ वीडियो बनाना चाहूँ रिवर साइड से एंड ऑल। चलो जी, अब हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। सेकेंड डे मॉर्निंग, 2 रातों के लिए आए हैं तो आज दूसरी मॉर्निंग है। जैसे मैंने आपको अभी रूम में बताया था, अब आपको चल के दिखाते हैं ब्रेकफास्ट में क्या क्या है और कैसा है। कल थोड़ा खाना अच्छा था, चिकन स्वाद था, मटन आई डेंट लाइक इट ऑल। दीज आर ऑल जूसेस। अब हम ब्रेकफास्ट करने आए हैं, सेकेंड डे मॉर्निंग, ब्रेड्स हियर। तो मैं बैठा हूँ रेस्टोरेंट में, हमने ऑर्डर खाना खा लिया है। ब्रेकफास्ट में आलू के परांठे, बहुत वैरायटीज़ हैं, अच्छी भी हैं, तो मैंने आलू वाला भी खाया। साउथ इंडियन भी है, डोसा भी है, सांभर भी है और
भुर्जी भी है, चिकन सॉसेज भी है, सलामी भी है, काफ़ी वैरायटी है। ड्रिंक्स में भी 5 डिफरेंट तरह की ड्रिंक्स हैं, इंक्लूडिंग कोल्ड कॉफ़ी और फ्रूट्स हैं, सैलड्स हैं, ब्रेड है, चाय, कॉफ़ी, एवरीथिंग जो आपको अच्छे होटल्स में मिलता है। अच्छा है, ऐसा नहीं कि कोई टेस्ट खराब हो या टेस्ट में मज़ा ना आ रहा हो, ऐसा कुछ। सो पाइनएप्पल जूस मैंने पिया है, जिसका इनिशियल टेस्ट तो बहुत अच्छा था, देखिए ये है, इनिशियल टेस्ट बहुत अच्छा था, लेकिन बाद में आफ्टर टेस्ट इसका थोड़ा मुझे साबुन लग रहा था, जैसे मैं साबुन वाला पानी पी रहा हूँ, तो कंप्लेंट्स का फ़ायदा नहीं है, अच्छा है। ओवरऑल एक्सपीरियंस टिल नाउ फॉर मी हैज़ बीन 7.5, अगर मैं 10 में से नंबर दूँ इस रिजॉर्ट को। बाबा जी, आपने नाश्ते में क्या खाया? नाश्ते में मैंने छोले भटूरे खाए मिक्स परांठा दही के साथ। तो ये आप लोग कुछ आगे डाइट्स के लिए किसी को कुछ बताते नहीं, आप खुद ही भटूरे छोले खा रहे हैं? आपने मेरे को कितनी देर की इंटरव्यू दे दी है बाबा जी ऑलरेडी? कितना हो गया बिल? देखो आप बिल की बात श्रद्धा करो, बाद में बात वो मार्केटिंग टीम से बात कर लो। आप बाबा जी का नाम बताएं, भूल गए। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक प्ले जोन भी है, तो आई विल शो दैट टू यू। यहाँ पे टेबल टेनिस है, ये बच्चों के लिए आउटडोर भी है, लेकिन अभी मौसम नहीं है इतना अच्छा, तो और ये इंडोर है, जहाँ पे यहाँ पे टेबल टेनिस है, कैरम बोर्ड है, लूडो है, चेस है। कैरम बोर्ड में एक शॉट ट्राई की जा सकती है, बचपन में कभी खेली थी। ओ शॉट, सो यहाँ पे कैरम बोर्ड बच्चे खेल रहे हैं। अभी मैं मैच खेला था एक, बाय चांस मैं जीत गया था, हालांकि कोई मैं बहुत अच्छा नहीं था। ये रिक्रिएशन बार है, इसका नाम है लाउंज, और ये पीछे वो एरिया है जहाँ पे रिवर है, तो पीछे से आप देख सकते हैं रिवर नज़र आ रहा है। चलो जी, अभी यहाँ पे बैडमिंटन की, काफ़ी बड़ा ग्राउंड है इस रिजॉर्ट में, जहाँ पे आप क्रिकेट खेल सकते हैं, यहाँ पे आप बैडमिंटन खेल सकते हैं। ये इस रिजॉर्ट में एक बार है जिससे व्यू है, आप देख सकते हैं विंडो से कितना सुंदर व्यू है, वहाँ पे लोग बैठे भी होंगे। सुबह हो गई है और अब हमारा लास्ट डे है चेकआउट का, एंड वी आर गोइंग फॉर ब्रेकफास्ट। रिजॉर्ट सुंदर तो बहुत है, लेकिन प्रॉब्लम इज कि यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस रूम से रेस्टोरेंट का इतना दूर है, यू नो लेजी हो जाता है बंदा कि जाना ही नहीं है मुझे, छोड़ो यार। और कोई कार्ट्स नहीं चल रहे हैं यहाँ पे जैसे रिव्यू व्यू पे चलते थे। ये हमें सलामी दे रहा था पर हमने इसको उठाया नहीं। ये अंडे बॉयल्ड जो मैं घर में खाता हूँ, क्योंकि छिले हुए मिलते हैं यहाँ पे, कुछ चीलने पड़ते हैं। ये चिकन सॉसेजेस हैं, जब मैंने स्टार्ट किया था थे नहीं, एक भुर्जी मैंने खा ली। बेक्ड बीन्स इज़ द इंग्लिश वर्जन ऑफ राजमा, जो मैं नहीं खाता। आलू अच्छे थे। परौंठों की यहाँ पे सप्लाई थोड़ी स्लो थी, क्योंकि फ्रेश मैं वेट करता रहा, दूसरा आया ही नहीं, फिर मैंने छोड़ ही दिया।
These are different types of achars. My favorite is chili. This is my favorite achar. This is bhaji. लेकिन क्योंकि पूड़ियाँ नहीं थी इसलिए मैंने भाजी खाई नहीं. सांबर, मैगी, दीज आर इडलीज. ये अच्छा था. यहाँ पे एक आलू वाली चीज़ थी उस दिन, वो ज़्यादा स्वाद थी पर उसके बाद मिली नहीं. इसको कॉर्नफ्लेक्स वगैरह बोलते हैं. ये मैं खाता नहीं हूँ. हेल्दी चीज़ें मैं कोई नहीं खाता. मैं सब कॉर्नफ्लेक्स मैदा होता. हाँ मैदा ही तो है यार. बटर है, ये हनी है, मिक्स्ड वेज पिकल है. देखिए ब्रेकफास्ट जो है वो वैरायटी तो बहुत है लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि डेली सेम चीज़ें थी. कोई ख़ास मुझे ऐसी वैरायटी मिली नहीं. तरबूज, पपीता, स्प्राउट्स, कैंड पाइनएप्पल जूस, इन्फ्यूज्ड वाटर, मैंगो शेक एंड दिस इज़ फ्रेश वाटरमेलन जूस. यहाँ पे सूजी हलवा है, मैंने ट्राई नहीं किया बट. सो ये हमारा रेस्टोरेंट है जहाँ पे सिट्रस हमने ब्रेकफास्ट लंच डिनर किया है लास्ट फॉर द लास्ट टू डेज. मैं आपको थोड़ा सा रिजॉर्ट और दिखा देता हूँ. यहाँ पे क्रिकेट एरिया था, बहुत बड़ा ग्राउंड जो मैंने आपको पहले भी दिखाया, जिसके ड्रोन में आपने देखी भी होगी फुटेज है. तो अभी विशु मेरे पीछे से वीडियो बना रहा है और मैं बोल रहा हूँ. आवाज़ अभी भी मेरी आ रही है, मुझे नहीं पता मैं कैसा लग रहा हूँ. यहाँ पे रात को मैंने कुछ छोटे छोटे वो देखे थे एनिमल्स, पता नहीं बिल्लियाँ तो नहीं थी, कुत्ते भी नहीं थे, तीन थे इकट्ठे, मुझे देख के भाग गए थे पीछे. बस एक चीज़ की कमी है, यहाँ पे इनको गोल्फ कार्ट्स चला देने चाहिए क्योंकि टांगे हम बुजुर्गों की थोड़ी बोल जाती हैं थोड़ी देर के बाद. कितना खाना हजम कर लेंगे यार चल चल के. ये देखो अभी हमने यहाँ से यू टर्न लिया, अगर वहीं से एक कट बना हो उधर तो आराम से बंदा आ जाए. मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा उधर पहन कर. होटल अच्छा है बट इनकी मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं है. ये टेबल हमारे कमरे में है, चलते चलते मेरा बस पैर लगा हल्का सा और ये सारा फट्टा नीचे गिर गया. नॉट जस्ट दैट, जिस कुर्सी पे मैं बैठ के काम कर रहा हूँ कंप्यूटर पे, ये आप देखें यहाँ पे इसका पैर टूटा हुआ है इधर से. देखो बड़ी मुश्किल में इसको एडजस्ट कर करके बैठता हूँ, पिछले दो दिन से बैठा हूँ. ये कार्ट है जिसमें हमारा लग जाएगा अब सारे रूम्स का एक साथ. और अब चेकआउट टाइम है, चेकआउट टाइम है. हम जा रहे हैं रिसेप्शन की तरफ. ये यहाँ पे आपने देखा होगा परसों के शॉट्स में, फर्स्ट टू शॉट्स में ये जगह थी जहाँ पे हम आए थे. ये रूम्स हैं, दिस इज़ द लेमन ट्री रिसेप्शन एरिया है. यहाँ से हमने चेक इन किया था तीन दिन पहले, दो दिन पहले. और हम जा रहे हैं अपनी गाड़ियों की तरफ सामान लेके. इतनी गर्मी है कि क्या करें, ह्यूमिड इतना है बारिश की वजह से और हुमस हो रही है, पसीने निकल रहे हैं जी.